मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह आप सभी का NIOS के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर परिचर्चा करेंगे वह है प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण का क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित शिक्षण की वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालय के छात्र गणित की अवधारणाओं को समझने में परेशानी महसूस करते हैं। केवल मात्र छात्र ही गणित सीखने में दिक्कत महसूस नहीं करते अपितु शिक्षक भी अच्छे गणित शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्ति में कठिनाई महसूस करते हैं। क्रियाकलाप आधारित विधि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्रियाकलाप आधारित विधि अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, न कि निष्क्रिय रूप से व्याख्यान का अवतरण करते। अर्थात इस विधि में बच्चे सक्रिय होकर अधिगम को ग्रहण करते हैं और वे हमेशा इसमें प्रयत्नशील होकर अवधारणाओं को, प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मूल आधार इस बात पर आधारित है कि अधिगम केवल सबक को सुनने के बजाय कुछ हाथों द्वारा किए गए प्रयोगों एवं उत्तेजनाओं पर आधारित होना चाहिए। अर्थात हम केवल सुनकर, देखकर ही नहीं सीखते, बल्कि अगर हम अवधारणाओं को प्रक्रियाओं के द्वारा खुद से करके सीखें और समझने की कोशिश करें तो वह हमारे अच्छे अधिगम के लिए सहायक होता है। क्रियाकलाप आधारित विधि में पढ़ने लिखने पर चर्चा, व्यावहारिक समस्याएं एवं गतिविधियां, समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन जैसे गतिविधियां सम्मिलित होती है। अर्थात क्रियाकलाप आधारित विधि में हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यह गतिविधियां हमारे विभिन्न प्रकार के गणितीय कौशल समस्याओं के समाधान में भाग लेकर, समस्याओं का विश्लेषण एवं संश्लेषण करके एवं उनका मूल्यांकन करके, विभिन्न परिस्थितियों में उनकी जाँच करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। पुनः क्रियाकलाप आधारित विधि को बॉनवेल एंड एसन ने 1991 में यह बताते हुए परिभाषित किया था कि क्रियाकलाप आधारित विधि वह विधि है जिसमें छात्र क्रियाविधि में सम्मिलित होते हैं एवं कार्य करते समय उसके बारे में सोचते भी हैं। अर्थात वह केवल मात्र मशीन की तरह किसी कार्य को करने में लिप्त ही नहीं होते अपितु वह उस कार्य को खुद भी करते हैं और करते समय उस कार्य के बारे में सोचते भी हैं, उसे समझने के भी प्रयास करते हैं। अगर किसी छात्र को स्वयं से अधिगम वातावरण के समन्वेषण का मौका दिया जाए, अर्थात वह स्वयं से अधिगम वातावरण में सम्मिलित हो एवं उन्हें एक उत्कृष्ट अधिगम वातावरण प्रदान किया जाए तो अधिगम आनंदपूर्ण और दीर्घस्थायी होगा। अर्थात अगर वो खुद से अधिगम की प्रक्रिया में आगे बढ़कर, बढ़ चढ़कर काम करें तो वह अधिगम उनके लिए आनंदपूर्ण होता है और वह हमेशा के लिए उनके पास रहता है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के इतिहास को अगर हम देखें तो क्रियाकलाप आधारित अधिगम द्वितीय विश्व युद्ध के समय आरंभ हुआ था। डेविड हर्ज़बर्ग को क्रियाकलाप आधारित विधि का जनक माना जाता है। उन्होंने कोलर में नील बाग नामक एक विद्यालय खोला और वहाँ विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या अनुभव द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का व्यवस्था की। क्रियाकलाप आधारित विधि में विभिन्न प्रकार के गतिविधि कराए जाने का प्रावधान है, जैसे कि रोल प्ले, पहेली, शैक्षिक खेल, वाद विवाद, समूह चर्चा, कहानी विधि इत्यादि। अर्थात क्रियाकलाप विधि को करते वक्त हम विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं या गतिविधियों को करा सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं में बच्चे जब सम्मिलित होते हैं तो वे किसी भी अधिगम को बेहतर ढंग से सीखते और समझते हैं। अब अगर हम क्रियाकलाप आधारित उपागम की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण अधिगम उसी स्थिति में संभव है जब विषय वस्तु को छात्र अपने उद्देश्यों के अनुरूप समझें। अर्थात जब विषय वस्तु को बच्चे समझते हैं, छात्र समझते हैं, तभी वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरी अवधारणा यह है
कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिगम केवल मात्र करके ही प्राप्त किया जा सकता है, या सिर्फ उसे सुनकर या देखकर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके साथ ही अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने में छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में से केवल मात्र शिक्षकों की भूमिका नहीं होती, अपितु जब छात्र उसमें सम्मिलित होते हैं, छात्र जब उसमें काम करते हैं, तब वो बेहतर ढंग से अधिगम को ग्रहण करते हैं एवं सीखते हैं। क्रियाकलाप आधारित उपागम की अन्य अवधारणाएं हैं, छात्र सबसे बेहतर अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होकर ही सीखते हैं, अर्थात जब वो अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं तभी वो बेहतर ढंग से सीखते हैं। क्रियाकलाप आधारित अधिगम दो मुख्य बातों पर विश्वास करता है। पहला, अधिगम प्राकृतिक रूप से एक क्रियाशील प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम तभी संभव है जब वह क्रियाशील हो, ना कि स्थिर। एवं दूसरा, विभिन्न व्यक्ति भिन्न प्रकार के चीज़ों को भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, अर्थात बच्चों के सामने विभिन्न अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। वे विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए अधिगम को ग्रहण करने का कोशिश करते हैं। अगर हम परंपरागत अध्ययन को क्रियाकलाप आधारित अधिगम के साथ तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें शिक्षक एवं छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर गतिशील या क्रियाशील रहते हैं। पुनः छात्र गणित की महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सूत्रों को शिक्षक की सहायता से खोज करते हैं। इसमें अवधारणाओं के प्रतिधारण स्मरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अतः इसमें छात्र जो भी सीखते हैं उसे वह लंबे समय तक याद रखते हैं। क्रियाकलाप आधारित उपागम के अगर लाभों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि यह छात्रों में सृजनात्मक सोच में विकास करता है, यह अधिगम में वास्तविकता का निर्माण करता है, यह छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुभव द्वारा ज्ञान कौशल एवं मूल्यों के विकास में मदद करता है, छात्रों के समूह में काम करने की योग्यता एवं उनके आत्मविश्वास में मदद करता है। इस विधि के द्वारा छात्रों में सामाजिक संबंधों का विकास होता है। यह करके सीखने की अवधारणा पर आधारित है, अतः यह बच्चों में अच्छे समझ का विकास करता है। यह छात्रों में बेहतर समझ का विकास करता है क्योंकि यह मूर्त अनुभव पर आधारित होता है। इसमें सभी प्रकार के छात्रों के सीखने की संभावना भी होती है। यह छात्रों में समस्या समाधान एवं विश्लेषणात्मक सोच कौशल का विकास करता है। अब हम उत्कृष्ट क्रियाकलाप आधारित उपागम के चरणों को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला चरण होता है योजना तैयार करना, अर्थात क्रियाकलाप आधारित उपागम में क्या किया जाएगा उसकी योजना तैयार की जाती है। दूसरे चरण में छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कराना शामिल है। तीसरे प्रक्रिया में प्रत्येक छात्र को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। चौथे चरण में इस बात का ध्यान रखना कि प्रत्येक गतिविधि के पहले छात्रों को उचित एवं स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं। क्रियाकलाप आधारित उपागम में शिक्षक की भूमिका क्या हो? क्रियाकलाप आधारित उपागम में शिक्षक एक योजनाकार, आयोजक और मूल्यांकनकर्ता, फैसिलिटेटर या निर्णयकर्ता की भूमिका निभा सकता है। गणित कक्षा में क्रियाकलाप आधारित उपागम कराने की विभिन्न रणनीतियाँ हो सकती है, जिनमें से कुछ हैं शिक्षण की अन्वेषण दृष्टिकोण, उचित प्रायोगिक क्रियाकलाप, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग, सहकारी या छोटे समूह में अधिगम, कक्षा में परिचर्चा इत्यादि। क्रियाकलाप आधारित उपागम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह उदाहरण, जैसा कि आप स्लाइड में देख सक रहे हैं, यह उदाहरण कक्षा एक के छात्रों के लिए है। थीम है संख्या की समझ और यह पाठ योजना NCERT से प्राप्त किया गया है और इसमें सामग्री के रूप में हम प्रयोग करेंगे खाली माचिस, कुछ बीज, प्लास्टिक के मोती, लगभग 100 नग, माला बनाने के लिए धागा, माचिस में रखने के लिए पर्ची, डाइस जिस पर 1 से 6 तक अंक व बिंदु बने हो। इसमें पूर्व अनुभव के रूप में बच्चों को 1 से 20 तक के बीच की संख्या का कुछ ज्ञान होना चाहिए। यह गतिविधि स्कूल आरंभ होने के लगभग 2-3 माह बाद की जाए तो अच्छा है। इस गतिविधि का उद्देश्य है यह जानना कि
क्या बच्चे ठोस वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या को किसी संख्याक से जोड़ व लिख पाते हैं कि नहीं? क्या बच्चे लिखी हुई संख्या को समझकर उतनी ही ठोस वस्तुएं गिन पाते हैं कि नहीं? इनसे यह भी पता लगेगा कि बच्चे 1 से 20 के बीच की संख्याएं पढ़ना लिखना कितना कर पाते हैं। इस कक्षा की तैयारी किस प्रकार की जाए उसके बारे में हम अब समझने की कोशिश करते हैं। इसके तैयारी में मान लीजिए हम ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कक्षा में केवल 28 विद्यार्थी आए हैं और शिक्षक कक्षा में आने के बाद यह प्रश्न रखते हैं कि बताओ कक्षा में कितने छात्र आए हैं। अलग अलग एक दूसरे पर उंगली रखकर छात्र गिनते हैं और इस प्रकार इस कक्षा की शुरुआत के बाद शिक्षक छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं और हर टोली को या हर समूह को अलग अलग गतिविधियां समझाते हैं। अब इन गतिविधियों को हम देख लेते हैं। शिक्षक ने सोचा और योजना बनाई कि 1 से 20 तक की संख्याओं को समझ के बारे में पता लगाया जाए तथा इसके लिए बच्चों से कुछ गतिविधियां करवाई जाए। शिक्षक पहले समूह को 10-15 खाली माचिस के डब्बे एवं अलग अलग संख्या में चने व एक पर्ची देते हैं। चने 4 से 20 के बीच की संख्या में हैं। शिक्षक कहता है मैंने हर माचिस में चने तो रख दिए हैं पर किस में कितने चने रखे हैं इसकी पर्ची रखना भूल गया। क्या आप लोग इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? आप लोग इस माचिस में रखे चने गिनकर पर्ची में लिखें और पर्ची को माचिस में डालें। आप लोग इन माचिस में रखे चने गिनकर पर्ची में लिखें और पर्ची को माचिस में डालें। शिक्षक दूसरी टोली वाले बच्चों को भी 10-15 माचिस के खाली डब्बे जिनमें अलग अलग संख्या लिखी एक पर्ची है साथ ही एक थैली जिसमें कुछ चने रखे हैं देते हैं। शिक्षक आप लोगों को माचिस में रखी पर्ची के अनुसार चने गिनकर माचिस में रखना है। तीसरी टोली को शिक्षक 10-15 पिरोए माले देते हैं जिसमें अलग अलग संख्या में मोती पिरोए गए होते हैं। शिक्षक कहता है माले में पर्ची लगी है मोती 4 से 20 के बीच की संख्या में है। आप लोगों को मोती गिनकर पर्ची पर लिखना है। इसके बाद शिक्षक चौथी टोली को एक थैली देते हैं जिनमें माला बनाने के लिए मोती धागा और साथ ही संख्या लिखी पर्चियाँ भी दी गई है। शिक्षक आप लोग एक एक पर्ची उठाओ और उस पर लिखी संख्या के अनुसार माला में मोती पिरो। माला के साथ आपको पर्ची भी लगानी है जिससे पता लगे कि आपने कितनी मोती पिरोए हैं। इन गतिविधियों के दौरान शिक्षक बारी बारी से विभिन्न समूह के पास जाकर उनका अवलोकन करते हैं और विभिन्न प्रश्नों के द्वारा उनके अधिगम को जानने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि बच्चे आप कैसे काम कर रहे हैं, बच्चे आप कैसे चना गिन रहे हैं एक एक करके या 2-3 के समूह में। वह यह भी अवलोकन कर सकते हैं कि क्या वह अपने अपने काम में व्यस्त हैं या वह एक दूसरे को किस किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, गिनने में, सामग्री उठाने में इत्यादि। इसके बाद अगर कोई बच्चा अटका है तो उसकी मदद टोली वाले कर रहे हैं या नहीं। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा किए गए अवलोकन के साथ साथ शिक्षक विभिन्न टोली से विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जैसे कि टोली एक से यह प्रश्न पूछा जा सकता है एक माचिस में कितने चने थे, कैसे गिने, गिनकर बताओ, पर्ची पर क्या लिखा है। टोली दो से यह पूछा जा सकता है माचिस की पर्ची पर क्या लिखा है, इस संख्या जितने चने कितने होंगे, क्या टोली के दूसरे सदस्यों ने इसकी जांच की है। तीसरी टोली से यह पूछा जा सकता है माला में कितने मोती थे, पर्ची पर कौन सी संख्या लिखी है, क्या मोती व लिखी हुई संख्या बराबर है। इस प्रकार टोली 4 से भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे शिक्षक यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे 1 से 20 की संख्याओं को समझ रहे हैं या नहीं। सीखने सिखाने के समय शिक्षक द्वारा आंकलन, इन प्रश्नों के उत्तर से शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चों में 1 से 20 तक की संख्याओं के बारे में समझ है या नहीं। अध्यापक ने यह भी नोट किया कि बच्चे अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं या नहीं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि जो बच्चे इन गतिविधियों में शामिल नहीं होते पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं या उनके द्वारा क्या कराया जा सकता है। तो जो बच्चे गतिविधि नहीं कर पाए उनके साथ अलग अलग टोली बनाकर शिक्षक बिंदी वाले डाइस और कंकर से
खेल खेलते हैं। शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि इस डाइस पर जितनी संख्या आए उतने कंकर उठाकर अपने पास रखो, यही संख्या अपनी कॉपी में लिखो। खेल सुचारू रूप से चलने के लिए उसके कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। बच्चों को भी यह नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस खेल द्वारा शिक्षक यह जान सकता है कि बच्चे में संख्याओं के बारे में समझ बनी है या नहीं। इस क्रियाकलाप आधारित उपागम के मूल्यांकन के लिए एक प्रारूप आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं, या एक रूब्रिक्स भी कहा जा सकता है, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों को कितनी संख्याओं का ज्ञान है। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसा कि इस प्रारूप में आप देख सकते हैं, कि वे 3 तक की संख्याएं जानते हैं, 3 से 10 तक की संख्याओं को ज्ञान है उन्हें, या उन्हें 20 तक की संख्याओं का ज्ञान है। इस प्रकार विभिन्न प्रारूप को बनाकर हम इस अधिगम का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अतः क्रियाकलाप आधारित उपागम से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रियाकलाप आधारित उपागम में कितनी संभावनाएं हैं और वह किस तरह गणित शिक्षण के लिए काफ़ी उपयोगी है। पर क्रियाकलाप आधारित उपागम की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि पाठ योजना तैयार करने में समय का अधिक लगना, क्रियाकलापों को करने में समय का अधिक लगना, क्रियाकलापों को तैयार करने में कठिनाई एवं कौशल की निपुणता की आवश्यकता, एवं पाठ्यचर्या के सही समय पर समाप्ति में आने वाली बाधाएं। इसके विपरीत जब हम क्रियाकलाप आधारित उपागम के लाभों को देखते हैं तो अवश्य सीमाएं कुछ मायने नहीं रखती। गणित शिक्षक को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए, जहां संभव हो सके, जिस पाठ्य वस्तु को क्रियाकलाप आधारित उपागम द्वारा अधिक आसानी से छात्रों की रुचि के अनुसार पढ़ाया जा सके, अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए। अतः विद्यार्थियों, आज हमने गणित में एक नए शिक्षण प्रणाली को सीखने की कोशिश की। यह प्रणाली क्रियाकलाप आधारित उपागम कहलाती है। हमने आज की कक्षा में यह जाना कि क्रियाकलाप आधारित उपागम क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लाभ हैं, यह कैसे विद्यार्थियों के अधिगम में मदद करता है और इसमें कितनी अधिक संभावनाएं हैं। आशा है आप सभी इस अधिगम एवं शिक्षण प्रणाली को समझेंगे और अपने विद्यालयों में इसका उचित प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।